सतना जिले के सुहावल ब्लॉक के ग्राम पंचायत पवैया में सरपंच सुनीता राकेश सिंह के द्वारा शासकीय हाई स्कूल पवैया में निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया गया। इसमें आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मयंक तिवारी, डॉक्टर राजेश चतुर्वेदी, डॉक्टर हिमांशु राय, डॉक्टर ममता मिश्रा, डॉक्टर विद्या सिंह चौहान सहित तकरीबन 300 मरीज मौजूद रहे। इन मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं भी वितरित की गईं। इस कार्यक्रम के आयोजक व्यापारी संघ कोठी के अध्यक्ष राकेश सिंह बबलू रहे। उन्होंने निशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा की। आज यहाँ पर ग्राम पवैया में आयुष विभाग के द्वारा निशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ और चिकित्सक उपलब्ध हैं यहाँ हैं। उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है एवं दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। लगभग अभी तक 300 के आसपास मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण और दवाइयाँ वितरण किया जा चुका है और अभी कैंप चालू है। इसका विषय ये था कि आज के समय में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा करके वो और ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से निवेदन किया तो उन्होंने यहाँ पर आयुष विभाग का स्वास्थ्य कैंप लगवाया। इसके लिए मेरी पंचायत की तरफ से, सभी लोगों जनता की तरफ से, मैं अपने आयुष विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और मेरी पंचायत में कैंप लगवाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है राकेश सिंह बबलू, मैं व्यापारी संघ कोठी का अध्यक्ष हूँ। ये आयुष विभाग द्वारा शिविर लगाई गई है हेल्थ के संबंध में। मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार और आयुष विभाग के निर्देशानुसार आयुष आपके द्वारा एक परिकल्पना की गई कि वर्षा ऋतु में हेल्थ कैंप का आयोजन नहीं किया जा सकता बारिश की वजह से, तो दूर गामी क्षेत्रों में, इस्लम क्षेत्र में और जो जहां पे पहुंच से दूर चिकित्सा है, वहां पे घर घर जाके आयुष आपके द्वार योजना के तहत लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए और अगर बीमारी है तो उससे कैसे, अच्छा मिल गया, स्कूल का प्रांगण मिल गया तो यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया। और मौसम जनित बीमारियों से बचाव के लिए ही आज का पूरा थीम है और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए भी कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, क्योंकि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी है, तो जीवन कैसे जिया जाए उसके परिप्रेक्ष्य में काम किया जा रहा है।